स्क्रीन विजिबल मिधर? यस सर, स्क्रीन दिख रहे है ना? यस सर, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड्स। ओके, तो ये स्लाइड है मेरी वाली। स्लाइड दिख रही है फर्स्ट, टाइटल इस टाइटल यस स्लाइड विजिबल। ओके, वॉइस ठीक है? हाँ सर, वॉइस ठीक है। टाइटल स्लाइड भी दिख रही है क्लियरली? यस सर। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप अपना माइक ऑफ कीजिए, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आया तो बताना, ठीक है? ओके सर। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, स्टार्ट द लेक्चर नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 ऑफ यूनिट क्रिस्टलोग्राफी, एंड दैट इज टूडेज डेट इज 25th May 2021। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर मैं रिकॉल करने वाला, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द ब्रैग्स लॉ एंड वी हैव डिराइव्ड दैट ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ हमने डिराइव किया, ब्रैग्स लॉ हमने स्टडी किया। ब्रैग्स लॉ क्या था? 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये जो ब्रैग्स लॉ है दिमाग में फिट कर लो, इक्वेशन याद रखो, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, तो ये ब्रैग्स लॉ बहुत बड़ी काम की चीज है और इसी से सारी चीजें जो स्ट्रक्चर ऑफ जितने भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सारे कंपाउंड्स के, यही ब्रैग्स लॉ से हम पता करते हैं। ब्रैग्स लॉ याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ब्रैग्स लॉ को नोबेल प्राइज मिला था और बाप बेटे ने मिलकर ब्रैग्स लॉ की डिस्कवरी की थी, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। और ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन तुम्हें याद रखना है, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल्स है उसके स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं, उसका लैटिस पैरामीटर कैसे पता करते हैं। ओके, तो ये क्या है? ब्रैग्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। ब्रैग्स लॉ का यूजेस कहाँ है? ब्रैग्स लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड वो पता करने के लिए ब्रैग्स लॉ का यूज होता है। तो आज हम देखेंगे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं यूजिंग ब्रैग्स लॉ। ओके, ऐसा नहीं कि बस एक्सरे उठा के रख दिया और सब पता चल गया, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है, उससे हम पता करते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा किसी भी कंपाउंड का, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर पता करने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि NaCl दिखता कैसे। ओके, तो NaCl का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया था, सबसे पहले हम देखेंगे कि NaCl दिखता कैसे, NaCl में एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे होती है, फिर पता करेंगे कि NaCl का स्ट्रक्चर निकालते कैसे हैं, NaCl का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग ब्रैग्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NaCl का यूनिट सेल कैसे दिखता है, NaCl का यूनिट सेल कैसे होता है। ये देखो, सबसे पहले ये तीन प्लेन्स हैं, ठीक है, ये तीन प्लेन NaCl का स्ट्रक्चर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये बता रहा हूं, ठीक है? सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सोडियम क्लोराइड, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, जस्ट लुक एट दिस स्लाइड्स, ओके, एंड लुक एट माय माउस एरो, दिस आर दी थ्री प्लेन्स, थ्री पैरेलल प्लेन्स लगा दिया इस तरीके से। ओके, इस तरीके से थ्री पैरेलल प्लेन्स लगा दिया, ओके, और इन तीनों प्लेन्स को मैं जोड़ रहा हूं, ओके, आई एम कंस्ट्रक्टिंग दैट प्लेन्स। अगेन आई एम शोइंग द एनिमेशन इन द स्लाइड, जस्ट लुक एट द स्लाइड, ओके, दीज आर द थ्री प्लेन्स, ओके, वन प्लेन, टू प्लेन, थ्री प्लेन्स, दीज आर द पैरेलल प्लेन्स, एंड आई एम जॉइनिंग द कॉर्नर ऑफ दीज प्लेन्स, ओके, और ये कॉर्नर को मैंने ज्वाइन कर दिया प्लेन के, ओके, फिर क्या कर रहा हूं, एक प्लेन मैं लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल, ओके, बीच में, ओके, दिस वन प्लेन आई एम प्लेसिंग इन द मिडल ऑफ दैट यूनिट सेल, ओके, ये प्लेन मैंने मिडल में लगा दिया, ओके, और एक प्लेन क्या कर रहा हूं, वर्टिकली लगा रहा हूं मिडल में। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे NaCl का, ध्यान दो, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे NaCl का बता रहा हूं, तीन पैरेलल प्लेन लगा रहा हूं, वन टू थ्री, ओके, थ्री पैरेलल प्लेन्स, कॉर्नर्स को ज्वाइन करो, कॉर्नर्स को ज्वाइन करो, फिर क्या करो कि एक मिडल में एक पैरेलल प्लेन लगा दो हॉरिजॉन्टली, ये मिडल में एक पैरेलल प्लेन लगा दिया हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली एक पैरेलल प्लेन लगा दो मिडल में, ओके, फिर से वर्टिकली एक पैरेलल प्लेन लगा दिया मिडल में, ओके, और फिर क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके सेंटर में दो लाइंस ज्वाइन कर दी मैंने इस तरीके से यहां तक सेंटर में, यहां से यहां तक सेंटर में, और जो वर्टिकल दिख रहा है फिर से यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दी वर्टिकली सेंटर में। इस तरीके से होता है NaCl का स्ट्रक्चर,
इस तरीके से NaCl की यूनिट सेल दिखेंगी। अब इस यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं ये हम देखने वाले हैं। यूनिट सेल कंस्ट्रक्शन अभी हमने देखा कि इस तरीके से यूनिट सेल होगी, लेकिन अभी Na आयंस और क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखेंगे हम। सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट कहाँ पर है वो हम देखेंगे। इस तरीके से यूनिट सेल बनाना याद रखना, फिर से एक बार बता रहा हूँ। यूनिट सेल बनाते कैसे, तीन पैरेलल प्लेन्स लो, कॉर्नर्स को ज्वाइन करो, बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लो, पैरेलल प्लेन, ओके, बीच में फिर एक वर्टिकल प्लेन लो, ओके, परपेंडिकुलर टू दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर क्या करो कि बीच में सेंटर में लाइंस ले लो हॉरिजॉन्टल प्लेन के, फिर वर्टिकल की सेंटर में एक लाइन ले लो। तो इस तरीके से यूनिट सेल बनेंगी सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। अब मैं बताऊंगा कि एटम्स कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड होंगे सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल में। सोडियम आयंस कहाँ पे प्लेस्ड होंगे और क्लोरीन आयंस कहाँ पे प्लेस्ड होंगे ये मैं बताने वाला हूँ सोडियम क्लोराइड की। ये बस इतना याद रखना, इस तरीके से डब्बा कंस्ट्रक्ट करते, यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब देखूँ, अब बताऊंगा कि सोडियम और क्लोराइड आयंस रहते कहाँ पे है। अब सबसे पहले ऊपर वाला प्लेन कंसीडर करो, ये वाला, ठीक है, मेरा माउस एरो देखो और ये वाला प्लेन कंसीडर करो। तो इस प्लेन में क्या होता है, सबसे पहले प्लेन बाय प्लेन बताऊंगा एटम्स कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर द अपर प्लेन, ये वाला ऊपर वाला प्लेन कंसीडर करो। तो ये ऊपर वाले प्लेन में क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, चार कॉर्नर्स, वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, फोर कॉर्नर, ये चार कॉर्नर पे क्या होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे और सेंटर में भी क्लोराइड आयंस होगा, ठीक है। तो चार कॉर्नर पे क्लोराइड आयंस, सॉरी सॉरी क्लोरीन आयंस, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ये चार कॉर्नर पे क्लोरीन आयंस और बीच में भी क्लोरीन आयन होगा, ओके। और जो एजेस पे दिख रहे हैं, ये देखो एजेस पे जो समय, मैं अभी मेरा माउस आ रहा हूं, देखो ये एजेस पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, और यहाँ पे चार, वहां पे होंगे सोडियम आयंस, ओके। कॉर्नर पे होंगे क्लोरीन आयंस और सेंटर पे, कॉर्नर और सेंटर पे ऊपर वाला प्लेन देखो सिर्फ, लेट अस कंसीडर द अपर प्लेन, ओके। कौन सा अपर प्लेन है, ये वाला, दिस वन इज अपर प्लेन, ओके। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अपर प्लेन, ओके। इन अपर प्लेन कॉर्नर, इन एट द कॉर्नर्स देयर आर क्लोरीन आयंस एट द कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ दैट प्लेन, फेस सेंटर, ओके। कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे क्लोरीन आयंस होंगे और एजेस पे, एज सेंटर पे, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पे सोडियम आयंस होंगे। अभी दिखा रहा हूं एनिमेशन से, देखो इस तरीके से आ गया, अभी बॉल्स आ गए मतलब एटम्स आ गए। तो ये देखो कॉर्नर पे वन कॉर्नर, टू थ्री फोर कॉर्नर्स और एक सेंटर में, फेस सेंटर पे क्लोरीन आयंस है, ये है, ये क्या है, बड़े वाले जो दिख रहे हैं क्लोरीन आयंस, और ये सोडियम आयंस कहाँ पे होंगे, एजेस के सेंटर में। ये एक एज है यूनिट सेल, मतलब साइड ऑफ यूनिट सेल है, इसके सेंटर में, ये साइड वाले यूनिट सेल में, यहाँ पे सेंटर में, ये एक साइड है यूनिट सेल का ऊपर वाले प्लेन का, यहाँ पे सेंटर में, और ये एक साइड है यूनिट सेल का यहाँ पे सेंटर में। तो एजेस के सेंटर में होंगे सोडियम आयंस, कॉर्नर पे होंगे कॉर्नर और फेस सेंटर में होंगे क्लोरीन आयंस, ओके। ये तो हो गया ऊपर वाले प्लेन की। अब मिडल वाले प्लेन पे आओ, मिडल वाले प्लेन में क्या होगा, उल्टा, इसका उल्टा। अपर प्लेन में, जहां अपर प्लेन में क्या थे, कॉर्नर पे थे क्लोरीन आयंस और कॉर्नर और सेंटर में थे क्लोरीन आयंस और एजेस के सेंटर में थे सोडियम आयंस। तो यहां पे क्या होगा, मिडल वाले प्लेन में कॉर्नर और सेंटर पे रहेंगे सोडियम आयंस और एजेस पे रहेंगे क्लोरीन आयंस, यहां पे उल्टा। तो मिडल वाला प्लेन, ये देखो मेरा माउस एरो जहां पर है, दैट इज द मिडल प्लेन। मिडल प्लेन में इसका ऑपोजिट होगा, तो मिडल प्लेन में देखो क्या होगा, इस तरीके से ये जो मिडल प्लेन है, मिडल प्लेन में क्या होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे कॉर्नर और सेंटर पे होंगे सोडियम आयंस और एजेस के सेंटर पे होंगे क्लोरीन आयंस। इस तरीके से प्लेन बाय प्लेन एटॉमिक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, प्लेन बाय प्लेन एटम कैसे प्रेजेंट रहेंगे ये बता रहा हूं। अपर प्लेन में क्या थे, कॉर्नर और सेंटर पे क्लोरीन आयंस, एजेस के सेंटर पे सोडियम आयंस। मिडल वाले प्लेन में कॉर्नर और सेंटर पे सोडियम आयंस और एजेस के सेंटर पे क्या थे, क्या होंगे, क्लोरीन आयंस, ओके। इस तरीके से, और जो नीचे वाला प्लेन है, अभी ये नीचे वाला प्लेन देखो, नीचे वाला और ऊपर वाले प्लेन में सेम तरीके का अरेंजमेंट होगा। जैसा ही ऊपर वाले प्लेन में अरेंजमेंट था, सेम तरीके से नीचे वाले प्लेन में भी अरेंजमेंट रहेगा, मतलब नीचे में कॉर्नर पे और सेंटर पे क्लोरीन आयंस और एजेस पे सोडियम आयंस। फिर से देखो इस तरीके से, कॉर्नर पे
क्लोरीन कॉर्नर और सेंटर पे क्लोरीन आयंस और एजेस के सेंटर पे सोडियम। तो इस तरीके से NaCl में एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। तो प्लेन बाय प्लेन कैसे अरेंज होता है ये बताया। अपर प्लेन कंसिडर करोगे तो कॉर्नर और सेंटर में क्लोरीन आयंस और एजेस के सेंटर में सोडियम आयंस। मिडल वाले प्लेन में जस्ट ऑपोजिट, कॉर्नर और सेंटर पे सोडियम आयंस और मिडल ऑफ दी एजेस पे क्लोरीन आयंस। और वही जो नीचे का जो प्लेन था, जैसे ऊपर के प्लेन में अरेंजमेंट थी, सेम अरेंजमेंट नीचे के प्लेन में रहेंगी। कॉर्नर में सीएल, कॉर्नर और सेंटर में सीएल आयंस और एजेस के सेंटर में सोडियम आयंस। तो वो ग्रीन सर्कल, छोटा सर्कल मतलब Na आयंस सोडियम आयंस और बड़ा सर्कल मतलब क्लोरीन आयंस। तो इस तरीके से एटॉमिक अरेंजमेंट होगी। और एटॉमिक अरेंजमेंट में तुम एक देख रहे हो, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि सोडियम और सोडियम, सोडियम आयन और सोडियम आयन एकदम पास पास में नहीं है, अल्टरनेटली अरेंज है। जैसे यहाँ देखो, ये क्लोरीन है तो यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ सोडियम है। ओके, क्लोरीन सोडियम जो आयंस है वो अल्टरनेटली अरेंज है, मतलब एक के पास एक नहीं है, क्लोरीन है फिर सोडियम है, क्लोरीन है फिर सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है। इस तरीके से सोडियम सोडियम आयंस एक साथ नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन आयंस एक साथ नहीं है, अल्टरनेटली अरेंज्ड है यूनिट सेल में। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बैलेंस होता है, इस तरीके से ये दो एटम्स इस तरीके से यूनिट सेल में अरेंज होते हैं अल्टरनेटली, सोडियम आयन क्लोरीन आयन, सोडियम आयन क्लोरीन आयन, इस तरीके से अल्टरनेटली। जैसे ऊपर वाले प्लेन में कंसिडर करोगे तो क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, इस तरीके से मिडल में भी देखो क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, अल्टरनेटली अरेंज है। जैसे यहाँ पे है क्लोरीन तो यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, इस तरीके से क्लोरीन और सोडियम आयंस अल्टरनेटली अरेंज होते हैं NaCl क्रिस्टल में, NaCl कंपाउंड में। और किस तरीके से अरेंज होते हैं ये मैंने बताया। तो अगर ये पूरा का पूरा क्यूब कंसिडर करते हैं हम, क्यूबिक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्यूबिक, इफ आई कंसिडर दिस क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के कॉर्नर पे ये पूरा का पूरा यूनिट सेल पकड़ो, ये पूरा कंसिडर कर रहा हो तो ये पूरा बड़ा जो क्यूबिक है कॉर्नर पे क्या है, क्लोरीन एटम्स है क्यूब के हर कॉर्नर पे, और फेस सेंटर में भी क्लोरीन एटम है। ये देखो, ये अगर ये फेस कंसिडर किया मैंने लेफ्ट वाला, इसके सेंटर में क्लोरीन है, नीचे का फेस कंसिडर किया ये वाला बड़ा वाला, तो बीच में सेंटर में क्लोरीन है, सो ऊपर वाला फेस कंसिडर किया ये पे यहाँ पर तो बीच में, तो इसका मतलब ये फेस सेंटर में क्लोरीन, कॉर्नर और फेस सेंटर में क्लोरीन आइटम्स क्लोरीन आयंस होते हैं और एजेस के सेंटर में सोडियम आयंस होते हैं। ओके ओके, एजेस के सेंटर में सोडियम आयंस होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है NaCl का, ये आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, क्योंकि फेजेस के सेंटर में और कॉर्नर पे भी आइटम्स प्रेजेंट है, फेजेस के सेंटर में भी आइटम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये जो आता है स्ट्रक्चर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंडर आता है। तो इस तरीके से एटॉमिक अरेंजमेंट होता है NaCl क्रिस्टल में, NaCl कंपाउंड में। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये तीन प्लेन ले लो, ओके, इन तीनों प्लेन के एजेस को ज्वाइन करो, एजेस को ज्वाइन करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लो, ओके, बीच में फिर एक उसका परपेंडिकुलर एक वर्टिकल प्लेन लो बीच में, ओके, फिर बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके दोनों लाइंस ज्वाइन करो सेंटर में, फिर जो ऊपर वाला है उसकी सेंटर में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। इस तरीके से यूनिट सेल बनती है। एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे है, सबसे पहले ऊपर वाला प्लेन कंसिडर करो, कॉर्नर पे सीएल और सेंटर में सीएल रखो, एजेस पे सोडियम रखो, कॉर्नर पे सीएल और सेंटर पे सीएल रखा और एजेस पे एन ए प्लस रखा। इसका ही उल्टा अरेंजमेंट करो, बीच वाले प्लेन में कॉर्नर पे रखो सोडियम, कॉर्नर और सेंटर पे और एजेस पे रखो क्लोरीन आयंस, ओके, और नीचे का जो प्लेन का अरेंजमेंट है जस्ट सिमिलर टू ऊपर वाला प्लेन, ऊपर का प्लेन जैसा है वैसा ही अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट नीचे के प्लेन में रखो। इस तरीके से कॉर्नर पे सीएल रखो, सेंटर पे भी, और यहाँ पे जो है एजेस पे सोडियम रखो। तो इस तरीके से NaCl का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो NaCl का स्ट्रक्चर मैंने जो बताया वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चला, ये ब्रैग्स लॉ के यूज से पता चला, इस तरीके का एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो मैंने पहले बता दिया,
ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोगों ने कैसे निकाला? ब्रैग्स लॉ से निकाला, और ब्रैग्स लॉ से एक एक्सपेरिमेंट किया, सोडियम क्रिस्टल पे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल रखा, उसके ऊपर एक्सरे रखी, फिर एक्सरे डिफ्रैक्ट हुई, अलग अलग डायरेक्शन से एक्सरे उसके ऊपर इंसिडेंट किए, अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग एंगल पे डिफ्रेक्शन हुआ, और उसको रिकॉर्ड किए आयनाइजेशन चेंबर में, करंट नोट किए और उसके प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी देखे। ये सारी चीजें करने के बाद ये स्ट्रक्चर पता चला। मैंने तो डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन ये कैसे फाइंड आउट हुआ? ब्रैग्स लॉ से। ठीक है, ब्रैग्स लॉ का यूज करके एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल अरेंज करके, तो वही एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं हम, किस तरीके से NaCl का स्ट्रक्चर पता चला और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे की थी। ठीक है, वही देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि लैटिस पैरामीटर्स जो भी NaCl का स्ट्रक्चर है कैसे पता करते हैं। तो NaCl का स्ट्रक्चर पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैग्स एक्सरोमीटर। तो ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इज द डिवाइस टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल, कोई भी कंपाउंड का। ओके, वेदर इट इज NaCl और एनी अदर कंपाउंड, इफ वी वॉन्ट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड, I have to use the experimental arrangement, and that experimental arrangement, that device, that instrument is called X-ray spectrometer, Bragg's X-ray spectrometer. Why it is called Bragg's X-ray spectrometer? Because that spectrometer works on the principle of Bragg's law. Okay, वो X-ray spectrometer Bragg's law के principle पे work करता है, इसलिए उसको Bragg's X-ray spectrometer बोलते हैं, और वो instrument है जिससे हमको पता चलता है कि NaCl का स्ट्रक्चर क्या है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द ब्रैग्स लॉ, दैट्स व्हाई दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर और इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर, यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस पैरामीटर ऑफ NaCl। लैटिस पैरामीटर तुमको पता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ओके, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग पता करने के काम में आता है ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब देखेंगे कि ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से NaCl का स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल हैव टू नो हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl यूजिंग ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे। वेरी इजी, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखो तो तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जस्ट लुक एट दिस स्लाइड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्लाइड। तो सबसे पहले ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की अरेंजमेंट बताने वाला हूँ, कैसी अरेंजमेंट होती है और क्या क्या चीजें होती है ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में। ओके, सो ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में कौन कौन से चीजें होती है, कौन कौन से चीजों का अरेंजमेंट होता है, ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रो में क्या क्या यूज होता है, ये मैं बताऊंगा ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आया एक्सरे ट्यूब होती है ब्रैग्स एक्सरोमीटर में। एक्सरे ट्यूब मतलब क्यों एक्सरे ट्यूब का यूज है? एक्सरे ट्यूब इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे जनरेट करना है तो एक्सरे ट्यूब का यूज करते हैं, इसलिए ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे काम की चीज क्या है? एक्सरे ट्यूब। सबसे काम की चीज क्या है ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में? एक्सरे ट्यूब, बिकॉज एक्सरे ट्यूब इज यूज टू जनरेट द एक्सरे। अगर एक्सरे ही नहीं होगा तो चीजें हम स्टडी कैसे करेंगे? एक्सरे इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ एक्सरेज आर नॉट देयर देन ब्रैग्स लॉ किस पे अप्लाई करेंगे? ब्रैग्स लॉ इसलिए आया कि एक्सरेज थी। अगर एक्सरे की डिस्कवरी ही नहीं होती तो ब्रैग्स लॉ आता ही नहीं। सो एक्सरे होता ही नहीं तो हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख ही नहीं पाते। तो एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एक्सरे ट्यूब। ओके, एक्सरे ट्यूब में एक्सरे कैसे जनरेट करते हैं? मैंने एक बार प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़ाया था एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के पोर्शन में लास्ट सेमेस्टर में। तो तुमको याद रखना है कि एक्सरे कैसे जनरेट हुई थी, ये सब मैंने बताया था उसमें। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये देखो एक्सरे ट्यूब है, इसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो टंगस्टन फिलामेंट को हाई वोल्टेज देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये जो रेज दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड जो होता है एनोड को स्ट्राइक करते हैं और एनोड के अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सरे प्रोड्यूस करता है। तो ये जो टंगस्टन है, जो ग्रीन दिख रहा है टंगस्टन फिलामेंट,
इसमें से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए और ये जो दिख रहा है ब्लॉक, ये है एनोड, एनोड को स्ट्राइक किए और एनोड के अंदर से फिर एक्सरे निकलती है। इस तरीके से एक्सरे ट्यूब में एक्सरे जनरेट होती है। इसको अगर तुमको डिटेल में जानना है तो हमने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का एक लेक्चर लिए थे, उसमें एक्सरे ट्यूब हमने पढ़े थे किस तरीके से एक्सरे जनरेट होती है, वो अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अभी इतना जान लूं कि एक्सरे ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस द एक्सरे। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इज एक्सरे ट्यूब। सेकेंड क्या होता है, स्लिट्स होते हैं, ये दो स्लिट्स, क्योंकि कैसे एक्सरे जो निकलती है वो डाइवर्ज बीम होती है, वो पता है उस बीम को शार्प बनाने के लिए, उस बीम को फाइन बनाने के लिए, उस बीम को नैरो बनाने के लिए स्लिट में से पास करते हैं, तो दो स्लिट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या, एक एक्सरे ट्यूब होता है, दो स्लिट्स लगे होते हैं। स्लिट्स क्यों लगे होते हैं, स्लिट्स को क्यों कि एक्सरे मोनोक्रोमेटिक बीम जो है एक्सरे की, उसको शार्प बनाने के लिए, उसको फाइन बनाने के लिए, उसको नैरो बनाने के लिए यूज होते हैं स्लिट्स। ओके, तो एक एक्सरे ट्यूब हो गया, एक स्लिट्स होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक टर्न टेबल, ये टर्न टेबल है, ठीक है, ये गोल वाला जो सर्कल है दैट इज टर्न टेबल, और इसके ऊपर हम क्रिस्टल रखते हैं। ये क्रिस्टल जिसका भी हमको स्ट्रक्चर पता करना है, वो स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टल, ओके, द क्रिस्टल विच फॉर विच वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल, दैट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल। टर्न टेबल के ऊपर उस क्रिस्टल को रखेंगे। अगर मान लो सोडियम क्लोराइड का पता करना है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्रिस्टल रखेंगे। अगर कोई दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर रहा है तो यहाँ पे वो कंपाउंड का क्रिस्टल रखेंगे। तो ये कौन सा क्रिस्टल है, ये NaCl क्रिस्टल है, क्योंकि अभी हम ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं NaCl का स्ट्रक्चर निकालने के लिए। ओके, ये टर्न टेबल है और उसके ऊपर क्या रखा है, क्रिस्टल रखा है। ओके, तो तुम बोलोगे कि ये टर्न टेबल क्यों है, क्योंकि मैं टेबल को रोटेट करूंगा तो क्रिस्टल भी रोटेट होगा। ओके, अगर मैं ये टेबल को घुमाऊंगा, ओके, इफ आई टर्न दैट टेबल द क्रिस्टल इज ऑल्सो रोटेट। तो ये क्रिस्टल को रोटेट करने के लिए मैंने यहां पर टर्न टेबल लगाया है। ओके, टर्न टेबल लगाने के बाद यहाँ पे एक आर्म लगाया हूं, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे रोटेटिंग आर्म है। ओके, रोटेटिंग आर्म में यहाँ पे स्लिट्स लगे हुए हैं और ये है आयोनाइजेशन चेंबर। ओके, ये जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज आयोनाइजेशन चेंबर, और इस आयोनाइजेशन चेंबर को कनेक्टेड है करंट का, करंट मेजरिंग डिवाइस, यहाँ से करंट पता चलता है और उसको अर्थ किया गया है, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में। फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक्सरे ट्यूब इज यूज टू जनरेट द एक्सरे, स्लिट्स आर यूज टू मेक अ फाइन बीम और नैरो बीम ऑफ एक्सरेस, टर्न टेबल क्रिस्टल को रखने के लिए क्योंकि हमको क्रिस्टल की स्टडी करना है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, तो टर्न टेबल के ऊपर, टेबल रोटेट होता है उसके ऊपर क्रिस्टल को रखा है। अभी इसका यूज क्यों है, क्योंकि जब मैं क्रिस्टल को रोटेट करता हूं तो अलग अलग एंगल से एक्सरेस पड़ेंगी उसके ऊपर, तो वो जरूरी है क्योंकि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक प्लेन्स हैं, और बहुत सारे एटॉमिक प्लेन्स के वजह से हर प्लेन का ओरिएंटेशन भी अलग अलग है, बहुत सारे प्लेन्स है जिसका ओरिएंटेशन अलग है। तो अगर मैं क्रिस्टल को एक ही जगह फिक्स करूंगा तो एक्सरे एक ही एंगल से पड़ेगी और डिफ्रैक्शन भी एक ही एंगल से होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्रिस्टल को रोटेट करना पड़ेगा और क्रिस्टल के अलग अलग प्लेन्स को एक्सपोज करना पड़ेगा एक्सरे से। अगर मैं अलग अलग प्लेन्स को एक्सपोज नहीं किया तो मेरे को अलग अलग प्लेन के बारे में पता कैसे चलेगा, क्रिस्टल में एक ही प्लेन नहीं होता ना, NaCl क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, और सारे प्लेन्स के बारे में अगर मुझे पता करना है तो क्रिस्टल को मेरे को रोटेट करना पड़ेगा और अलग अलग एंगल से उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा और अलग अलग एंगल से एक्सपोज करना पड़ेगा क्रिस्टल्स को, तब जाके मुझे क्रिस्टल के अंदर के प्लेन्स का पता चलेगा। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, और टू नो एवरी सेट ऑफ प्लेन आई हैव टू रोटेट द क्रिस्टल इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिस्टल रोटेट करूंगा तो एक्सरेज भी अलग अलग एंगल से उसके ऊपर पड़ेगी और अलग अलग एंगल से डिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो डिफ्रैक्ट होगी तो अलग अलग थीटा हमको मिलेगा, तो अलग अलग थीटा मिलेगा, और जहां पे थीटा मिलेगा अलग अलग एंगल मिलेगा, उस अलग अलग एंगल में कितने प्लेन्स है वो प्लेन्स हमको पता करने हैं, इसलिए क्रिस्टल को रोटेट। समझ में आया क्रिस्टल को रोटेट क्यों करना है, क्रिस्टल को रोटेट इसलिए करना है कि अलग अलग एंगल से क्रिस्टल एक्सपोज हो, क्योंकि क्रिस्टल में अलग अलग ओरिएंटेशंस के प्लेन होंगे। ओके, डिफरेंट प्लेन्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो एवरी प्लेन एक्सपोज होना चाहिए एक्सरे से। अगर मान लो कि मेरे क्रिस्टल में 5 प्लेन है और सिर्फ एक ही प्लेन पे एक्सरे पड़ेगी तो एक ही प्लेन के बारे में पता चलेगा,
अगर मान लो क्रिस्टल मैंने ऐसा रखा है और यहाँ पे सिर्फ 111 प्लेन है और उसी के ऊपर एक्सरे पड़ रहे हैं, तो मुझे 111 प्लेन के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर मान लो साइड में उसका 110 प्लेन है तो उसको रोटेट करना पड़ेगा ना, इस प्लेन पे भी एक्सरे पड़ना चाहिए, इस प्लेन पे भी एक्सरे पड़नी चाहिए, सारे प्लेन्स पे एक्सरे पड़नी चाहिए, तभी सभी फिर प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ओके, इसलिए क्रिस्टल को हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और चेक करते हैं कि एक्सरे किन कौन कौन से एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है। ओके, तो डिफ्रैक्शन, और ये जैसे ही एक्सरे इस पे पड़ती है, रे एक्सरे डिफ्रैक्ट होती है, और ये एक्सरे को कलेक्ट करने के लिए डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को कलेक्ट करने के लिए ये जो रोटेटिंग आर्म दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है और रोटेटिंग आर्म है, उसको हम रोटेट करते हैं। क्योंकि अगर एक्सरे अलग अलग एंगल से डिफ्रैक्ट हो तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तब इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये रोटेटिंग आर्म को हम रोटेट करते हैं क्योंकि अगर एक्सरे अलग अलग एंगल से, मान लो कि एक्सरे अगर यहाँ पे डिफ्रैक्ट हुई इस एंगल में, तो इस रोटेटिंग आर्म को इधर लेके जाएंगे। अगर मान लो एक्सरे इधर से इस एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, तो इस रोटेटिंग आर्म को हम ऐसे लेके जाएंगे। तो ये रोटेटिंग आर्म है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है और रोटेटिंग आर्म है, उसको मैं अलग अलग एंगल्स पे रोटेट कर सकता हूँ टू कलेक्ट दी डिफ्रैक्टेड एक्सरेज। डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को कलेक्ट करने के लिए, अगर मान लो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज अलग अलग एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए जो रोटेटिंग आर्म है, मैं उसको अलग अलग एंगल से रोटेट करूंगा और डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को कलेक्ट करूंगा। ओके, तो ये है रोटेटिंग आर्म। क्रिस्टल को रोटेट करना क्यों जरूरी है मैंने बताया, ठीक है। क्रिस्टल को टर्न टेबल के ऊपर रखा है और ये क्रिस्टल को हम, ये टर्न टेबल को हम रोटेट करते हैं तो क्रिस्टल भी रोटेट होता है। टेबल को रोटेट करेंगे तो क्रिस्टल भी रोटेट होगा और अलग अलग एंगल से एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी, तो क्रिस्टल के अंदर जितने भी प्लेन है उसके बारे में हमको पता चलेगा। और ये रोटेटिंग आर्म का यूज क्या है, आर्म को हम रोटेट इसलिए करते हैं कि अलग अलग एंगल से अगर एक्सरेज डिफ्रेक्ट हुई तो उसको कलेक्ट करना है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक्सरे पड़ी और इस एंगल से डिफ्रेक्ट हुई, तो उस रोटेटिंग आर्म को हम इधर लेके जाएंगे, इस रोटेटिंग आर्म को हम इधर लेके जाएंगे डिफ्रेक्टेड रेस को कलेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से अगर मान लो इस क्रिस्टल पे एक्सरे पड़ी और इधर डिफ्रेक्ट हो गई, तो इस रोटेटिंग आर्म को उधर लेके जाएंगे डिफ्रेक्टेड एक्सरे कलेक्ट करने। तो रोटेटिंग आर्म इज यूज टू कलेक्ट द डिफ्रेक्टेड एक्सरे, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है देखो, मैं फिर से बता रहा हूं। ये देखो, यहां से अगर एक्सरेज आ रही है, ठीक है, तो ये एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे निकल रही है और यहाँ से स्लिट में से जाके फाइन बीम तो यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ पे पड़ने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल में डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो डिफ्रैक्ट हो गई, सपोज कि थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और ग्लांसिंग एंगल, थीटा इज द ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। सो ये थीटा जो है, इस थीटा एंगल से एक्सरे डिफ्रैक्ट हो गई। ये देखो, एक्सरे आ रही है सीधा और इस क्रिस्टल पे पड़ के डिफ्रैक्ट हो गई इस साइड में, और इस साइड में मैंने जैसे डिफ्रैक्ट हुई आर्म को इस साइड में लेके आया, तो ये जो एक्सरे है आर्म के अंदर चली गई और यहाँ पे आयोनाइजेशन चेम्बर के अंदर आ गई। ओके, आयोनाइजेशन चेम्बर। अब आयोनाइजेशन चेम्बर का क्या यूज है, अब एक्सरे जैसे अभी मुझे एक्सरेज को डिटेक्ट करना है तो आयोनाइजेशन चेम्बर का यूज। अगर डिफ्रैक्टेड रेज आयोनाइजेशन चेम्बर के, अगर मैं आयोनाइजेशन चेम्बर एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं, एक्सरेज डिफ्रैक्ट हुई कि नहीं हुई ये पता करने के लिए आयोनाइजेशन चेम्बर का यूज करते हैं। ओके, अगर यहाँ से रेज डिफ्रैक्ट हो रही है तो वो आयोनाइजेशन चेम्बर के अंदर आ रही है। ओके, तो आयोनाइजेशन चेम्बर के अंदर गैस भरी हुई है, कोई भी गैस, तो एक्सरे क्या करती है, उस गैस को आयोनाइज करती है। ये हमने न्यूक्लियर डिटेक्टर विटेक्टर में पढ़े थे, आयोनाइजेशन चेंबर का यूज होता है। ओके, डिटेक्ट करने के लिए रेडिएशंस को, तो यहाँ से जो एक्सरे आ रही है डिफ्रैक्ट होते, ये एक्सरे डिफ्रैक्ट होके आ रही है या नहीं आ रही है ये पता करने के लिए आयोनाइजेशन चेंबर का यूज करते हैं। आयोनाइजेशन चेंबर, देयर इज अ गैस प्रेजेंट इन द इनसाइड द आयोनाइजेशन चेंबर, तो एक्सरे क्या होती है, गैस के साथ इंटरेक्ट करके गैस का आयोनाइजेशन कर देती है। तो गैस का जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी एक्सरे की। ओके, समझ में आया। तो डिफ्रैक्टेड एक्सरे किस एंगल से, थीटा एंगल से अगर एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो डिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट है कि नहीं उसका पता करने के लिए आयोनाइजेशन चेंबर एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं। आयोनाइजेशन चेंबर के अंदर कोई भी गैस भरी होगी, उस गैस को ये एक्सरे क्या करती है, आयोनाइज करती है। और आयोनाइजेशन करने से जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा गैस का, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी एक्सरेज की। और ये आयोनाइजेशन होने के कारण, ओके, तो आयोनाइजेशन होने के कारण एक आयोनाइजेशन करंट प्रोड्यूस होता है आयोनाइजेशन चेंबर में, और उस करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे करंट मीटर लगाया। तो एक्सरे आ रही है,
गैस को आयनाइज कर रही है और आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करंट होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होगी। जितना ज्यादा आयनाइजेशन करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। ओके, अगर मान लो एक पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई एक्सरे की, इसका मतलब वहां पे प्लेन प्रेजेंट है। जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा एक्सरे की वहां पे क्रिस्टल का प्लेन प्रेजेंट है, जहां पे इंटेंसिटी जीरो वहां पे कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो जो कंपाउंड है उसमें क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हर जगह तो एटम्स नहीं होंगे, बीच में तो खाली स्पेस होगी ना। जहां जहां पे एटॉमिक प्लेन प्रेजेंट है वहां पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां डिफ्रैक्टेड एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे भी एटॉमिक प्लेन नहीं है वहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पता चलेंगे चलेगा कि प्लेन कौन सा है क्रिस्टल के अंदर। कैसे पता चलेगा? जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा, जिस एंगल पे इंटेंसिटी ज्यादा वहां पे कोई ना कोई प्लेन प्रेजेंट है, जिस एंगल पे इंटेंसिटी कम वहां पे कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे पता करेंगे, क्रिस्टल को रोटेट करेंगे इस तरीके से, रोटेट करके अलग अलग एंगल से एक्सरे इंसिडेंट होगी इस पे और अलग अलग एंगल पे डिफ्रैक्ट होगी, और जिस एंगल पे डिफ्रैक्शन हुआ और जिस एंगल पे हमको आयनाइजेशन करंट ज्यादा मिला, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे थीटा वन एंगल है और थीटा वन एंगल पे जो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है और बहुत ज्यादा आयनाइजेशन करंट मिल रहा है। ज्यादा आयनाइजेशन करंट मतलब ज्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी, और ज्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी मतलब वहां पे कोई ना कोई प्लेन प्रेजेंट है। जहां पे प्लेन प्रेजेंट है वहां पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब आयनाइजेशन करंट ज्यादा। आयनाइजेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। इफ सपोज एट अ पर्टिकुलर एंगल इफ वी गेट अ मैक्सिमम आयनाइजेशन करंट, इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। इफ आई विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे, सो आई कैन कन्फर्म दैट एट दैट पर्टिकुलर एंगल देयर आर प्लेन्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो प्लेन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? जहाँ पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा है। प्लेन कहाँ पे मिसिंग रहेगा? जहाँ पे, क्योंकि क्रिस्टल है, एक यूनिट सेल है, तो हर जगह तो एटम्स नहीं रहेंगे, बीच में खाली स्पेस रहेगी। अगर एक्सरे खाली स्पेस पे पड़ी तो इंटेंसिटी जीरो, अगर एक्सरे एटम के ऊपर पड़ी तो डिफ्रैक्टेड एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा। जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा वहां पे प्लेन प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल को रोटेट कर करके देखेंगे कि कहां किस एंगल पे प्लेन प्रेजेंट है, किस एंगल पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, किस एंगल पे आयोनाइजेशन करंट ज्यादा आ रहा है, और जिस एंगल पे आयोनाइजेशन करंट ज्यादा आया उस एंगल पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब उसी एंगल पे प्लेन प्रेजेंट है। तो अलग अलग एंगल से डिस्पोज करेंगे, क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, जो एक्सरे है अलग अलग एंगल से क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी, ये एक्सरे जो है अलग अलग एंगल से क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी और अलग अलग एंगल से डिफ्रेक्ट होगी। हर एंगल पे तो प्लेन प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिस एंगल पे आयनाइजेशन करंट ज्यादा उस एंगल पे प्लेन प्रेजेंट रहेगा। तो हम बोलेंगे कि इस एंगल पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इस एंगल पे हमारा क्रिस्टल प्लेन, इस एंगल पे हमारा एटॉमिक प्लेन्स प्रेजेंट है NaCl के, और हम फिर उस प्लेन को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग ब्रैग्स लॉ। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग क्या है एक्सरे। देखो फिर से एक बार एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्सरे यहाँ से निकल रही है, एक्सरे ट्यूब से स्लिट से एकदम शार्प बन रही है, और क्रिस्टल को मैं रोटेट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, एक थीटा एंगल से यहाँ पे क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे पड़ी और थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गई। डिफ्रैक्टेड एक्सरे कलेक्ट कर रहे हैं हम रोटेटिंग आर्म से, और डिफ्रैक्टेड एक्सरे जा रही है आयनाइजेशन चेंबर के अंदर। आयनाइजेशन चेंबर के अंदर गैस है, वो एक्सरे क्या कर रही है, गैस का आयनाइजेशन कर रही है, और जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, आयनाइजेशन करंट, और उस आयनाइजेशन करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे करंट मीटर लगाया है। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतनी ज्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी। अगर मान लो एक पर्टिकुलर एंगल पे थीटा पे अगर करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एक्सरे की डिफ्रैक्टेड एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है उस एंगल पे उस क्रिस्टल के अंदर प्लेन प्रेजेंट होंगे। जिस एंगल पे इंटेंसिटी ज्यादा उस एंगल पे प्लेन प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से हम अलग अलग एंगल पे क्रिस्टल को एक्सपोज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस एंगल पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा, किस एंगल पे आयनाइजेशन करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आयनाइजेशन चेंबर में, वो एंगल हम नोट करेंगे और फिर वो एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ से हमको पता चलेगा कि कौन से प्लेन NaCl क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है एक्सरे ट्यूब,
स्लीट्स है, टर्न टेबल क्रिस्टल को रोटेट करने के लिए बीच में क्रिस्टल रखा है, अगर ये एनएसीएल का पता करना है तो ये एनएसीएल क्रिस्टल रखा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है एक्सरे का, ओके, एक्सरे की एक्सरे का पाथ चेंज हो रहा है, उसको कलेक्ट करने के लिए रोटेटिंग आर्म, आयोनाइजेशन चेंबर किस लिए, एक्सरे को डिटेक्ट करने के लिए कि वहां पे आयोनाइजेशन कितना हो रहा है, और आयोनाइजेशन करंट नोट करने के लिए यहाँ करंट मीटर लगाया है, और करंट जितना होगा उतनी इंटेंसिटी होगी एक्सरेज की। तो हमको तीन दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो चीजें नोट करने से हमको सारी चीजें पता चलेगी? एक कि किस एंगल पे, ये थीटा, किस एंगल पे डिफ्रेक्शन हुआ है, थीटा। तो ये थीटा कहां से नोट करेंगे? ये टेबल है, टेबल के ऊपर स्केल है, ये देखो स्केल लगी हुई है, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइंस जो दिख रही है, रेड लाइन स्केल है, तो ये स्केल से पता चल गया चलेगा कि थीटा क्या है। अगर मान लो कि इस एंगल पे रिफ्लेक्ट है तो यहाँ पे स्केल होगी, तो वो ये स्केल से हम पता करेंगे कि थीटा कितना है, कितने एंगल पे डिफ्रेक्शन हुआ है। तो हमको दो चीजें नोट करनी पड़ेंगी। रीडिंग कैसे लेनी पड़ेगी, अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रीडिंग कैसे लेनी पड़ेगी, एक तुम लोगे थीटा, थीटा कितना है, और उस थीटा पे कितना आयनाइजेशन करंट आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी। तो दो चीजें नोट करोगे, ओके, एक्स एक्सिस पे थीटा, y एक्सिस पे इंटेंसिटी, और फिर ग्राफ प्लॉट करोगे, और जिस एंगल पे इंटेंसिटी ज्यादा मिली उस एंगल पे हम बोलेंगे कि प्लेन प्रेजेंट है क्रिस्टल के अंदर, और जिस एंगल पे इंटेंसिटी नहीं है वहां पे कोई प्लेन नहीं है। तो नोट क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम दो चीजें नोट करेंगे, एक थीटा मतलब एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ओके, दैट इज ग्लांसिंग एंगल भी है वो, थीटा नोट करेंगे, और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी नोट करेंगे, मतलब आयोनाइजेशन करंट, जितना ज्यादा आयोनाइजेशन करंट उतनी ज्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी। तो वाई एक्सिस पे होगी इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे होगा थीटा। तो किस तरीके से स्टडी करते, ये एक्सपेरिमेंट मान लो हमने कर लिया, एनएसीएल को अलग अलग एंगल से रोटेट कर लिया, पूरा रोटेट कर 360 डिग्री से रोटेट करके देख लिया, और थीटा हर थीटा पे मैंने नोट किया रीडिंग, एक थीटा वन इंटेंसिटी कितनी है, थीटा टू इंटेंसिटी कितनी है, थीटा थ्री इंटेंसिटी कितनी है। सो हर एंगल पे मैंने इंटेंसिटी नोट किया और एक टेबल बना लिया। अब उसमें से मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा और चेक करूंगा कि कौन से प्लेन प्रेजेंट है। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम, थीटा, ओके, और वाई एक्सिस पे रखते हैं इंटेंसिटी, ओके। सो फॉर एग्जांपल करो, यहाँ पे थीटा वन है, यहाँ पे थीटा टू है, थीटा थ्री, तीन एंगल की रीडिंग मैंने लिया, ओके। सो ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, थीटा रहेगा एक्स एक्सिस पे और इंटेंसिटी रहेगी वाई एक्सिस पे, और तीन रीडिंग मैंने सपोज लिया, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, और ये तीनों एंगल पे मुझे इंटेंसिटी ज्यादा मिली इस तरीके से। अब मुझे देखो मैंने क्या किया, थीटा है एक्स एक्सिस पे, इंटेंसिटी है वाई एक्सिस पे, ओके, तो थीटा और इंटेंसिटी है वाई एक्सिस पे, थीटा वन जब मैंने रीडिंग लिया तो मेरे को इतनी इंटेंसिटी, इतना पीक मिला यहाँ पे, इतनी इंटेंसिटी मिली ज़्यादा, थीटा टू पे भी इतनी इंटेंसिटी मिली और थीटा थ्री पे भी इतनी इंटेंसिटी मिली, मतलब ये तीन एंगल पे इंटेंसिटी ज़्यादा है एक्सरे की, यहाँ पे ये ज्यादा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी एक पीक मिला, यहाँ पे भी, ये तीन पीक मिला। इसका मतलब क्या है कि उस क्रिस्टल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट प्लेन्स प्रेजेंट है, ओके। D1 इज नथिंग बट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन, D2 इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ सेकेंड सेट ऑफ प्लेन, एंड D3 इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ थर्ड सेट ऑफ प्लेन, मतलब थ्री डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट है, ओके, इसलिए मेरे को तीन पीक मिला, इसलिए मुझे तीन जगह इंटेंसिटी ज्यादा मिली। पहले इंटेंसिटी मुझे मिली थीटा वन पे ज्यादा, फिर मिली मुझे इंटेंसिटी थीटा टू पे ज्यादा, ये इंटेंसिटी है वाई एक्सिस पे, और फिर मुझे मिली थीटा थ्री एंगल पे इंटेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब तीन एंगल पे, एट थ्री एंगल्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज मैक्सिमम। सो इफ सपोज एट थ्री एंगल्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज मैक्सिमम, इट मीन्स दैट देयर आर थ्री सेट ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन सेट ऑफ प्लेन प्रेजेंट है मेरे क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि तीन जगह मुझे इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है, एक थीटा वन पे, एक थीटा टू पे, थीटा थ्री पे। अब देखो इन बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू, यहाँ पे जो बीच में है इतनी जगह खाली है, तो बीच में कोई पीक मिल रही है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों पीक के बीच में भी जगह खाली है, इसमें यहाँ पे कोई प्लेन प्रेजेंट, जहां पे इंटेंसिटी जीरो या इंटेंसिटी कम वहां कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, जहां पे इंटेंसिटी पीक मतलब मैक्सिमम जा रही है यहाँ पे D1 पे, D1 इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग,
ओके सो फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन डी टू इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर द सेकेंड सेट ऑफ प्लेन डी थ्री इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर द थर्ड सेट ऑफ प्लेन सो वी गेट थ्री पिक्स ओके थ्री पिक्स मतलब तीन मैक्सिमम इंटेंसिटी तीन जगह मिली एक थीटा वन एंगल पे थीटा टू और थीटा थ्री एंगल पे तो इंटेंसिटी मुझे ये ग्राफ मिला वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये ग्राफ मिला तो इस ग्राफ से मैं कैसे पता करूंगा कि NACL के अंदर कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट है ओके तो ये ग्राफ से मैं क्या निकालूंगा D1, D2, D3 मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग ओके सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने के बाद मुझे पता चला कि D1 इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज करोस्पॉन्ड टू 100 प्लेन D2 इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग करोस्पॉन्ड टू 110 प्लेन एंड D3 इज द इंटेंसिटी करोस्पॉन्ड टू D3 इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग करोस्पॉन्ड टू 111 प्लेन मतलब तीन टाइप के प्लेन NACL क्रिस्टल में प्रेजेंट है ये मुझे कैसे पता चला तीन पीक मुझे मिले तो मुझे पता चला तीन जगह मुझे इंटेंसिटी ज्यादा मिली और साथ में मैंने इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाला D1 and each interplanar spacing correspond to particular plane. तो D1 जब मैंने निकाला तो 100 के correspond थी उसकी interplanar spacing. D2 जब मैंने निकाला तो 110 के correspond थी और D3 मुझे मैंने निकाला तो 111 के correspond थी interplanar spacing. तो किस तरीके से interplanar spacing निकालते हैं ये मैं अभी बताने वाला हूं तुमको ग्राफ मिलने के बाद तुम क्या करते हो ब्रैग्स लॉ लगाते हो ठीक है ये ग्राफ मिल गया तुमको एक्सपेरिमेंट से तो तुम ब्रैग्स लॉ लगा दो ब्रैग्स लॉ क्या है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ओके ये 2d को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं ठीक है तो 2d को उस साइड लेके जाने के बाद सॉरी 2 sin थीटा को उस साइड लेके जा रहा हूं तो 2 sin थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा ओके सो ब्रैग्स लॉ इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ओके आई वांट टू कैलकुलेट द d फ्रॉम इट बिकॉज़ ब्रैग लॉ से हमको d कैलकुलेट करना है d मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग तो d कैलकुलेट करना है तो ये 2d sin थीटा को उस साइड में लेके गया तो d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा ओके तो n मुझे पता है n इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन पहले प्लेन से डिफ्रेक्शन हुआ सेकंड प्लेन से डिफ्रेक्शन हुआ कि थर्ड प्लेन से ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लैम्डा तो फिक्स रहेगी कांस्टेंट बिकॉज़ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे तो लैम्डा इज कांस्टेंट n इज कांस्टेंट n इज ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इफ फर्स्ट प्लेन से डिफ्रेक्शन हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1 रहेगा सेकंड प्लेन से हुआ तो n इक्वल टू 2 रहेगा सो d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा n मुझे पता है ओके n कांस्टेंट है लैम्डा भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट नहीं है यहां पे d और sin थीटा ओके सो d और sin थीटा कांस्टेंट नहीं है जब तुम्हें थीटा पता है तो तुम d निकाल सकते हो क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है इफ यू नो थीटा किस एंगल पे डिफ्रेक्शन हुआ है अगर वो पता है तो तुम d स्पेसिंग निकाल सकते हो दैट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालते हैं सो d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा व्हाई बिकॉज sin थीटा इज इन डिनोमिनेटर n लैम्डा बाय 2 sin थीटा इफ sin थीटा इज इन डिनोमिनेटर इट मींस दैट d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा अगर मैं इक्वल साइन हटा दिया और ये कांस्टेंट है n लैम्डा बाय 2 कांस्टेंट So D is inversely proportional to the sine theta. Okay, inversely proportional to the sine theta. So if I know the theta, जो X-ray कितने angle पे पड़ रही है, अगर मुझे theta पता है, तो मैं D निकाल सकता हूँ. ओके या डी पता है तो थीटा निकाल सकता हूं लेकिन डी तो मुझे पता नहीं रहता ना इंटरप्लेन माय एम इज टू कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इट मींस डी प्लेन के बीच की स्पेसिंग तो वो कैलकुलेट कैसे करूंगा जब मुझे थीटा पता रहेगा तो थीटा तो मुझे पता रहेगा कि किस एंगल से वहां पे मैंने टर्न टेबल लगाया था इंस्ट्रूमेंट में टर्न टेबल से मुझे क्या पता चलेगा वहां पे स्केल है कि किस एंगल पे डिफ्रेक्शन हुआ है तो थीटा मुझे पता रहेगा थीटा की रीडिंग मैं नोट करूंगा तो अगर मुझे थीटा पता है तो मुझे डी पता चल जाएगा इजीली सो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय sin थीटा इफ आई नो द थीटा देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द sin थीटा सो डी अगर sin थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मुझे डी पता चल जाएगा इजीली तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा और आई नो द थीटा ओके तो यहां पे थीटा कितने हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सो थीटा 1 के करस्पोंडिंग में डी 1 थीटा 2 के करस्पॉन्ड्स में D2 और थीटा 3 के करस्पॉन्डिंग में D3 सो ये इक्वेशन कैसे बनेगा D1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय sin थीटा 1 मतलब D1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा 1 D2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा 2 एंड D3 इज इनवर्सली क्योंकि यहां पे तीन प्लेन है
तीन प्लेन है, तो ये इक्वेशन में तीन प्लेन के लिए लिखूंगा, तीन अलग अलग एंगल पे हमको डिफ्रेक्शन मिला है, थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री। सो दिस इक्वेशन विल बिकम डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सो फॉर डी वन, फॉर फर्स्ट प्लेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा वन, फॉर सेकेंड प्लेन दैट इज डी टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा टू, एंड डी थ्री फॉर द थर्ड प्लेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा थ्री। तो इस तरीके से मुझे तीनों चीजें तीन एंगल पता है, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तो मैं डी वन डी टू डी थ्री निकाल सकता हूँ। सो मैं इसको क्या करूंगा, रेशो में लिखूंगा। सो डी वन इज टू डी टू इज टू डी थ्री इज नथिंग बट वन बाय साइन थीटा वन इज टू वन बाय साइन थीटा टू। ये तीनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा और रेशो निकालूंगा। सो रेशो निकालने के लिए कैसे, डी वन इज टू डी टू इज टू डी थ्री इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा वन इज टू वन बाय साइन थीटा टू इज टू वन बाय साइन थीटा थ्री। तो ये तीनों को डिवाइड कर दिया, रेशो निकालना है मुझे, और रेशो से ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली एनएससीएल का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, सो डी वन इज टू डी टू इज टू डी थ्री इज नथिंग बट वन बाय साइन थीटा वन इज टू वन बाय साइन थीटा टू इज टू वन बाय, ये तीनों को डिवाइड कर दिया। तो डी वन इज टू डी टू इज टू डी थ्री इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा वन इज टू वन बाय साइन थीटा टू इज टू वन बाय साइन थीटा थ्री। ओके, तो डी वन किस कौन सी प्लेन की स्पेसिंग है, 100, डी टू कौन से प्लेन की स्पेसिंग है, 111, D3 कौन से प्लेन की स्पेसिंग है, 111। ओके, सो इस तरीके से D1 मतलब द स्पेसिंग ऑफ 100, D2 मतलब द स्पेसिंग ऑफ 110, D3 मतलब द स्पेसिंग ऑफ 111। तो ये D1 D2 D3 की जगह D100 लिखा, D110 लिखा और D11 लिखा। ओके, क्योंकि ये D1 करस्पोंड टू 100 प्लेन, D2 corresponds to 111 plane and D3 corresponds to 11 plane. So it will be D100 is to D110 is to D111 is equal to 1 by sin theta 1 is to 1 by sin theta 2 is to 1 by sin. So अभी sin theta की value मुझे पता है, तो theta 1 theta 2 theta 3 मैं experiment से निकालूंगा, और experiment से निकाल के जब मैंने ये calculate किया 1 by sin theta 1 is to 1 by sin theta 2 is to 1 by sin theta 3, तो मुझे ratio कितना मिला, 1:1/√2:2/√2। ओके, ये रेशो कैसे मिला, ये रेशो इसका एनएससीएल का इतना आता है क्योंकि हमको एंगल जो है थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री आर स्पेसिफिक एंगल्स, वो एंगल हमको पता करते हैं, और जब साइन थीटा की वैल्यूज निकालते हैं तो एनएससीएल के लिए ये तीनों प्लेन का रेशो कितना आता है, 1:1/√2:2/√2। तो ये रेशो हमें एनएससीएल के लिए मिलता है, रेशो ऑफ D1:D2:D3, ये तीन प्लेन का रेशो हमको मिलता है 1:1/√2:2/√3। और जब ये रेशो को हम थेरोटिकल वैल्यू, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई हमारी, ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई, और ये वैल्यू जब हम थेरोटिकली कंपेयर करते हैं इसके साथ, सिंपल क्यूबिक के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1:1/√2:1/√3। बॉडी सेंटर्ड के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1:1:2:1/√3। फेस सेंटर्ड के लिए क्या आनी चाहिए, 1 D1 1 0 1 आना चाहिए, D1 1 0 1/√2 आना चाहिए और D1 1 2/√2। तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। ओके, फॉर NaCl वी आर गेटिंग थर्ड नंबर ऑफ वैल्यू 1 1 1/√2 1/√2 2/√3 2/√। इसका मतलब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें डी स्पेसिंग से मिल रही है NaCl के लिए। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हमारा NaCl स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैटेगरी में आता है। तो एक्सरे से हमें ये पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि D110 का जो रेशियो है 1:1/√2:2/√3 ये मिल रहा है, 1:1/√2:2/√3। इसका मतलब NaCl सिंपल क्यूबिक नहीं है, बॉडी सेंटर्ड भी नहीं है, इसके साथ मैच हो रहा है उसका रेशो। तो इसका मतलब जो हमारा NaCl है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैटेगरी में आता है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेशो से हमको पता चला NaCl हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और वो रेशो कैसे निकाला, ये है D1 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा 1, D2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा 2 एंड D3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा 3। ये तीनों का रेशो निकाला, तीनों का रेशो निकाल के हमको ये रेशो मिला।
तो ये रेशियो से हमको पता चला कि हमारा NaCl स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक की कैटेगरी में आता है, और ये हमको ग्राफ से पता चला। ग्राफ से हमको थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री की वैल्यूज मिली, और थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री की वैल्यूज मिलने के बाद डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यूज हमने निकाले, उसका रेशियो निकाला। तो ये ग्राफ कहाँ से मिला? ग्राफ एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, थीटा के वैल्यू नोट किए और इंटेंसिटी की वैल्यू नोट की, और दोनों नोट करने के बाद हमको तीन जगह इंटेंसिटी ज्यादा मिली। तो जिस जगह इंटेंसिटी ज्यादा वहां पे प्लेन प्रेजेंट है, तो तीन जगह हमको इंटेंसिटी ज्यादा मिली, तो तीन सेट ऑफ प्लेन प्रेजेंट है, एक 100 110 और 11, उनका रेशियो निकाला। तो रेशियो निकालने के बाद ये रेशियो मिला, दैट रेशियो इज करस्पॉन्ड टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ प्लॉट से हमको इंटरप्लेनर स्पेसिंग पता चली, और उसके रेशियो से हमने पता किया कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है, और उसमें तीन मेन प्लेन प्रेजेंट होते हैं, और तीनों प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने इस एक्सपेरिमेंट से निकाली। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बोलते ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एक्सरे निकलती है, क्रिस्टल पे पड़ती है, डिफ्रैक्ट होती है, और अलग अलग एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हम नोट करते जाते हैं, थीटा, क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, और थीटा चेंज करते जाते हैं, और थीटा नोट करते जाते हैं, और थीटा के करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन करंट नोट करते हैं, मतलब इंटेंसिटी नोट करते जाते हैं। थीटा और इंटेंसिटी की रीडिंग ले लेते हैं और प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद जहां जहां इंटेंसिटी ज्यादा मिली वहां वहां प्लेन प्रेजेंट है। इस तरीके से हमने देखा कि ब्रैग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर NaCl के स्ट्रक्चर, इस तरीके से NaCl का स्ट्रक्चर मिलता है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इस तरीके से पता चलता है कि एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है और एटॉमिक प्लेन के बीच की स्पेसिंग कितनी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं यूजिंग एक्सरे, ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो तुम पूछ सकते हो। वेरी